भारतीय मुसलमानों के प्रतिष्ठित मजहबी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद का फतवा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। एक ऐसे दौर में जब इस्लाम और मुसलमानों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा बदनाम किया जा रहा है, दारुल उलूम के फतवा विभाग ने एक सवाल के जवाब में मस्जिदों में वीडियो रिकॉर्डिंग और उसे यूट्यूब अपलोडिंग को गुनाह करार दिया है। सवाल ये है कि इस प्रकार के फतवा देने से पहले क्या फतवा विभाग ने मौजूदा हालात का ठीक से अध्ययन कर लिया था? देखने में आया है कि खुद दारुल उलूम से संबंधित मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद अपने प्रोग्रामों की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव ब्रॉडकास्टिंग बड़े पैमाने पर करती है, तो क्या इस विभाग ने उसे कोई एडवाइजरी भेजी है और इसका नोटिस लिया है? मस्जिद रशीद जो कि दारुल उलूम देवबंद के कैंपस में है, पिछले साल इमाम काबा को लाइव ब्रॉडकास्ट वहां से किया गया था। सवाल ये भी है, क्या इन मुफ्ती साहिबान ने मक्का और मदीना की मसाजिद से मक्का लाइव और मदीना लाइव के बारे में क्या ख्याल है? अफसोस की बात है कि 2017 में इस तरह के फतवे अब मजाक बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।